वेलकम बैक माय चैनल ज्योग्राफी एग्जाम गुरु। आप सभी का मेरे चैनल पर वेलकम है। तो बीपीएससी का जो अभी आपका एग्जाम कल हुआ, ठीक है, बीपीएससी TRE 3 का जो आपका री एग्जाम हो रहा है, ठीक है, इसमें इसके लिए जिस जो भी आप मतलब कल एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी TGT का एंड PGT का, जियोग्राफी है तो जियोग्राफी का स्पेशल जो बीपीएससी में पूछा गया है TRE 1 और TRE 2 में, तो ये सारे क्वेश्चन एक साथ आपको मिलेंगे। TRE 1 और 2 का T1 से लेके आपका जो 5 तक था, फिर 6 to 8 एंड 9 to 10 का और 11 to 12 का, सभी का एक साथ ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इसमें से पक्का है, क्योंकि आप देख रहे हैं कल भी जो क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया 6 to 8 वाले में भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन था, बहुत सारा था, जैसे रेलवे वाला था, उसके बाद आपका और भी क्वेश्चन थे कुछ जो मतलब पूछे गए थे। तो चलिए बिना समय कमाए फटाफट, आप एक बार जाने से पहले जा रहे हैं तो जरूर देख लीजिए। मलेशिया, फर्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया की वनस्पति विहीन उत्खात भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पडांग। क्या कहा जाता है? पडांग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोनिशियन संबंधित है, तो फोनिशियन किससे संबंधित है? तो टर्की से संबंधित है। उसके बाद है डाक बंगलों के मध्य औसत अंतराल होता है, कितना होता है? तो ये बीपीएससी के अकॉर्डिंग आंसर की मैं आपको बता रही हूँ, तो 25 किलोमीटर डाक बंगलों के मध्य औसत अंतराल होता है। निम्नलिखित में से कौन आंकड़ा भारत में कुल वार्षिक वर्षा को घन किलोमीटर में सही ढंग से दर्शाता है? तो देखिए, घन किलोमीटर में वार्षिक वर्षा को जो होगा वो हो जाएगा आपका 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण होता है? तो जो इसमें जल प्रदूषण के कारण होगा, तो पहला जैसे है रेस्पिरेटरी इंफेक्शन एंड कंजक्टिवाइटिस और डायरिया, तो जो डायरिया होता है वो जल प्रदूषण के कारण होता है। फारस की खाड़ी पर स्थित बंदरगाह नगर, ठीक है, जो नगर है दुबई किस देश में है? तो फारस की खाड़ी पर स्थित है, ये बंदरगाह में दुबई आता है, और बोला दुबई किस देश में है, तो दुबई जो है वो कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में है। कहाँ है दुबई? संयुक्त अरब अमीरात में। ये PGT 11-12 का क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है, TRE 2 का, PGT का। उसके बाद है बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बिहार में गेहूं का उत्पादन रोहतास में होता है। एक अनुपात 50,000 प्रदर्शक भिन्न वाले मानचित्र का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्या होगा? तो देखिए, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 इंच मल्टीप्लाई 15, 15 मिनट × 15 मिनट। धारा निम्नलिखित में से किससे प्रवाहित नहीं होता है? तो धारा जो है वो किससे प्रभावित नहीं होता है? तो खारापन से जो है धारा वो प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की स्थानांशील कृषि क्या कहलाती है? तो इंडोनेशिया का जो स्थानांशील कृषि है उसको कहते हैं लदांग। क्या कहेंगे इंडोनेशिया में? लदांग। विश्व में सर्वाधिक चरवाहे कहाँ है? तो विश्व में सर्वाधिक चरवाहे जो है वो अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस विचार के प्रतिपादक कौन है? तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन विचार के प्रतिपादक टी हैगर स्ट्रैंड है। कौन है? टी हैगर स्ट्रैंड। किसी भू उपयोग का जनरेटर होता है? तो पूंजी, परिवहन सुविधा, औद्योगिक इकाई, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ये सभी होते हैं। भारत में स्थापित होने वाली सबसे पहली आयरन एंड स्टील कंपनी क्या थी? तो टिस्को थी, सबसे पहली आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को। निम्नलिखित में से किस देश की चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, तो जिसकी सीमा नहीं है वो क्या है? वो है थाईलैंड।
क्या नहीं है, थाईलैंड का सीमा नहीं है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिंद चीन के तीन देशों से होकर गुजरती है, तो जो मीकांग है, मीकांग ये हिंद चीन के तीनों देशों से होकर गुजरती है। कोशी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तो कोसी का जो औसत ऊंचाई है वो क्या हो जाएगा, 30 मीटर है, कितना है 30 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र तथा स्केच में अंतर नहीं है, तो स्थल रूपों का प्रदर्शन में अंतर नहीं है। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से सर्वाधिक समीप स्थित गैलेक्सी कौन सी है, तो जो एंड्रोमेडा है, एंड्रोमेडा ये सर्वाधिक समीप है, ठीक है, एंड्रोमेडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिकरण और नगरीय जनसंख्या, नगरीकरण जनसांख्यिकी संक्रमण की किस अवस्था का लक्षण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तृतीय, किसका है तृतीय है। जीवाश्मों के आधार पर मानव उत्पत्ति का केंद्र कौन सा है, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी जो है वो मानव जीवाश्म का केंद्र है। किसने कहा भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन करता है, तो हार्टसोन ने कहा था कि भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन करता है। कौन सी रेखा को जैविक प्रदेशों को अलग करती है, तो वलाश, वलाश जो है जैविक प्रदेशों को अलग करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है, तो जो इंडो आर्यन है, इंडो आर्यन सबसे बड़ा भाषा समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय योजना संबंधित है किससे, तो क्षेत्रीय योजना जो संबंधित है वो हो जाएगा विकास, विकास क्षेत्र के विशिष्ट उपागम से, विकास क्षेत्र के विशिष्ट उपागम से। डिएगो गार्शिया किस द्वीप समूह पर स्थित है, तो जो चैगोस, कहाँ है चैगोस बंदरगाह पे स्थित है। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है, तो अगर सर्वाधिक क्षमता वाला क्या हो जाएगा, कोयाली हो जाएगा, क्या होगा कोयाली। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष क्या होगा, 1767, ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का 1767। चट्टानों का दाब तथा ताप के कारण कड़ा होना क्या कहलाता है, तो कायांतरण कहलाता है। एंजी लॉ प्रकाश डालता है, एंजी लॉ प्रकाश डालता है वनस्पति के विकास, नहीं इसका जो हो जाएगा वनस्पति के विकास नहीं होगा, खर्च प्रतिरूप पे, ठीक है, बीपीएससी के अकॉर्डिंग जो निकाला था फाइनल आंसर की, तो इसका आंसर था खर्च प्रतिरूप पे। उसके बाद है डेसीमेट्रिक विधि से क्या मापा जाता है, तो डेसीमेट्रिक विधि से जो है वो जनसंख्या मापा जाता है, क्या मापा जाता है जनसंख्या। अपर्दन चक्र की परिकल्पना के प्रतिपादक डेविस किस देश के थे, तो डेविस जो थे वे संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। ब्राजील में सवाना प्रकार की घास क्या कहलाती है, तो ब्राजील में जो सवाना है वो क्या कहलाती है, लिम्पो, क्या कहलाती है लिम्पो, घास के मैदान को लिम्पो कहते हैं। निम्नलिखित में से किस शहरी समूह की प्रवासी जनसंख्या में हिस्सेदारी सबसे अधिक है, तो किसकी हिस्सेदारी अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, यूए, ठीक है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया, तो पहला रेडियो 1923 में प्रसारित किया गया था। एशिया माइनर के भूमध्यसागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी क्या है, तो टॉरस है, किर्थर पॉन्टिक और टॉरस दिया, टॉरस जो है भूमध्यसागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी है। टॉरस पन्ना हीरा खाने कहाँ अवस्थित है, तो पन्ना और हीरा की खाने जो है बुंदेलखंड में है, कहाँ है बुंदेलखंड में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार भूपत्र किस प्रक्षेप पर बने होते हैं, तो ये अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप पर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है, तो भूस्खलन ढाल, गुरुत्वाकर्षण या जलयोजन, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद आपका है गेटवे स्थित होता है कहाँ पे, तो दो बड़े क्षेत्रों के मध्य प्राथमिक नगर के रूप में, गेटवे जो होता है दो बड़े क्षेत्रों के मध्य प्राथमिक नगर में के रूप में होता है। शीर्ष सूचकांक प्रभावित होता है, जो शीर्ष सूचकांक है वो जीन से प्रभावित होता है।
उसके बाद है मानव भूगोल का जनक कौन है, तो मानव भूगोल का जनक रेड जेल है। मानव भूगोल के जनक कौन है, रेड जेल। पर्यावरण नियोजन और पारिस्थितिक संतुलन की संकल्पना का विकास प्रारंभ हुआ, तो इसका होगा रुको और जाओ नियतिवाद से, वैज्ञानिक नियतिवाद से या संभववाद से। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, रुको और जाओ नियतिवाद, वैज्ञानिक नियतिवाद और संभववाद, क्योंकि सभी में जो है थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ था। उसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन है कि 2011, ठीक है, कि 2011 में विश्व के देशों के बीच मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 134। उसके बाद वाला क्वेश्चन है ये देख लेते हैं, जयपुर भारत के किस उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश में स्थित है, तो जयपुर जो है उत्तरी मैदान में स्थित है। भारतीय रेलवे प्रणाली को कितने जोनों में विभाजित किया गया, तो देखिए इसका 16 हो जाएगा, और ये जो है 6 to 8 में 2024 में जो अभी परसों एग्जाम हुआ 19 तारीख को, इसमें भी पूछा गया है यही क्वेश्चन सेम। और ग्लोब पर बुरा 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो 179 हो जाएगी। अकावा खाड़ी तट पर कौन सा देश स्थित नहीं है, तो जो अकावा पर स्थित नहीं है ना वो है फिलिस्तीन। क्या है, अकावा पे कौन सी स्थित नहीं है, फिलिस्तीन। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फेलसेन मीर। क्या हो जाएगा, फेलसेन मीर। पर्वत शिखर पर मिलने वाली जो चट्टानी सतह उसको फेलसेन मीर कहते हैं। उसके बाद है ग्रीन लेवर, वह लेवर होता है जो जो प्रथम बार वेतन के लिए काम करने जाता है, प्रथम बार वेतन के लिए काम करने जाता है उसको ग्रीन लेवर कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया, तो पर्यावरण प्रदूषण ने क्या, वैज्ञानिक नियतिवाद को, नियतिवाद को, नव नियतिवाद को, तो पर्यावरण प्रदूषण ने उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, सभी को जन्म दिया। उसके बाद जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या होगा, अगर जनसंख्या घटेगा तो मानव भूमि अनुपात क्या होगा, बढ़ता है। निम्नलिखित में कौन सा शहर नदी तट पर स्थित नहीं है, तो पटना, आगरा और भोपाल, तो जो स्थित नहीं है वो है भोपाल। प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ता के अनुसार मध्य देशांतर कहाँ से होकर गुजरती है, तो जो मध्य देशांतर है वो उज्जैन से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन भूमि से घिरा बंदरगाह है, देखिए यही क्वेश्चन मैं बोल रही थी कि एक तो रेलवे वाला पूछा और ये किए विशाखापट्टनम बोला, भूमि से स्थलबद्ध बंदरगाह क्या क्या नाम है, तो वही हो जाएगा विशाखापट्टनम हो जाएगा। तो विशाखापट्टनम दो क्वेश्चन जो है, ये दो क्वेश्चन 6 to 8 में पूछा गया है। उसके बाद है आर्मेनिया है एक, आर्मेनिया क्या है, तो आर्मेनिया जो है एक देश है, क्या है, देश है। तापमंडल का दूसरा नाम क्या है, तापमंडल का दूसरा नाम क्या है, आयन मंडल है, क्या है, आयन मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा सागर तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है, तो सागर तल से सर्वाधिक वाराणसी, मथुरा, कानपुर, इन तीनों में जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है वो हो जाएगा क्या, मथुरा। क्या होगा, मथुरा। उसके बाद है विश्व में नगरीकरण किस पठार पर अधिक हुआ है, नगरीकरण जो है तटवर्ती पठार पे, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जो तटवर्ती पठार है वहां पे नगरीकरण अधिक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने का उपकरण क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है उपरोक्त में से कोई नहीं है, वह क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद सर्वप्रथम किसने वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया, तो इसका हो जाएगा हिप्पाकर्स, किसने, हिप्पाकर्स ने। सौर तंत्र किस प्रकार का तंत्र है, तो सौर तंत्र जो है एक कैसा तंत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा बंद तंत्र है, कैसा तंत्र है, बंद। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है, तो एल्बुर्ज, तेहरान एल्बुर्ज पर स्थित है। निम्नलिखित में से शहरों के किस समूह को उनके आकार क्रम अर्थात 1, 2, 3, 4 रैंक में व्यवस्थित किया गया है, तो देखिए यहाँ जो व्यवस्थित किया गया है वो हो जाएगा आपका दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। सोन नर्मदा
महानदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो अमरकंटक जो है मैकाल श्रेणी में है। कहाँ अमरकंटक? मैकाल श्रेणी में। धक्का और खिंचाव कारक जिम्मेदार है, तो ये किसके लिए जिम्मेदार है? धक्का और खिंचाव कारण, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवसन के लिए। किस प्रदेश के स्थलाकृतिक मानचित्र की चुंबकीय नीति सर्वाधिक होगी? तो चुंबकीय जो ये है सर्वाधिक किसकी होगी? मेघालय। मेघालय प्रदेश के स्थलाकृतिक मानचित्र की चुंबकीय नीति सर्वाधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्षा से भूमि उपजाऊ होती है? तो जो भूमि उपजाऊ होती है हो जाएगा पंक वर्षा से। कौन भूगोल वेत्ता इतिहास का जनक? तो हेरोडोटस को, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। किस टॉलर ने अपने केंद्रीय स्तर सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसको वरीयता नहीं दी? तो किसको वरीयता उन्होंने नहीं दी थी? केंद्रों के बीच की दूरी, ठीक है, केंद्रों के बीच की दूरी को उसने वरीयता नहीं दी थी। लैंड सॉफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? तो लैंड सॉफ्ट जो है वो जर्मन स्कूल से संबंधित है। किससे है? जर्मन स्कूल से। टेहरी बांध परियोजना विवाद संबंधित है, तो टेहरी बांध जो है वो किससे संबंधित है? तो टेहरी बांध परियोजना जो है वो रुको और जाओ नियतिवाद से, नियतिवाद विचार से, या संभववादी विचारधारा से। तो टेहरी बांध परियोजना आपका हो जाएगा रुको और जाओ नियतिवाद से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वातावरण में बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियों की उपस्थिति की उम्मीद की जा सकती है? तो उत्तर पूर्व में जंगल एवं पहाड़ी, ठीक है, वहां पे बिखरी हुई बस मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सी अत्यधिक प्रदूषित है? तो अत्यधिक प्रदूषित कौन सी है? तो यमुना, यमुना जो है वो अत्यधिक प्रदूषित है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय नीतल उच्चावच को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि है सोलोनोग्राफ, एर्गोग्राफ या निदरग्राफ। तो उच्चावच महासागरीय नीतल को कौन करता है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। किस नहर द्वारा समुद्री मार्ग की लंबाई कम नहीं होती? स्वेज, पनामा या सू? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शू। किसके द्वारा कम नहीं होती? सू के द्वारा कम नहीं होती। विश्व का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश कनाडा है। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मक्का का उत्पादन जो सर्वाधिक होता है वो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मुजफ्फरपुर। मक्का का उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है। उद्योग एवं व्यक्तियों का नगर से बाहर की तरफ प्रवेश करता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रतिनगरीकरण। उद्योग एवं व्यक्तियों का नगर से अगर बाहर की तरफ प्रवेश कर रहा है तो वो प्रतिनगरीकरण हो जाएगा। तो ये था आपका, ये आपका 11-12 का ईजीटी का था 2023 का। तो इसमें है टीजीटी का ज्योग्राफी, टीजीटी पीजीटी का करवा दिया, टीजीटी 2023 का। देखिए जो जो क्वेश्चन पूछा गया है कम समय में फटाफट आपको करवाऊंगी प्रैक्टिस। तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, मिसमी, बड़ेल और लुसाई क्या है? तो मिसमी, बड़ेल और लुसाई ये क्या है? पहाड़ियां हैं। क्या है? पहाड़ियां हैं। जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है, तो कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में, ठीक है, कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है। कौन सा प्राचीनतम में? विंध्यक्रम, धारवार, कुडप्पा, उपयुक्त में से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्राचीन में सम्मिलित नहीं है उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय में उष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा क्या है? तो पश्चिमी हिमालय में उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा जो है औसत सागर तल से 1524 मीटर है। नेक्स्ट है, असम
हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई कितना है? तो हिमरेखा की ऊंचाई 4400 मीटर है। असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई 4400 मीटर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो पेन्नार नदी का जो उद्गम है वो नंदी पहाड़ी, यानी कर्नाटक का जो नंदी पहाड़ी है वो पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है। उसके बाद है, पश्चिमी हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय, ये क्वेश्चन हो गया, उष्ण कटिबंधीय मानसून पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है। तो जो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़ होता है तो उसकी क्या होगा? तो देखिए इसका जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 100 से 150 है, 150 से 200 है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसून पतझड़ वन का उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य, तो सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य पश्चिम बंगाल और गुजरात है। क्या है सर्वाधिक? पश्चिम बंगाल और गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? तो जो पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और पूर्वी देशांतर 8 डिग्री और दक्षिणी अक्षांश जो है 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत का जो मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री, तो ये जो है ये गलत है, लेकिन भारत का भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये सही है। और भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी हो जाएगा एक से अधिक। महाभारत लेक नामक पर्वत स्थित है कहाँ पे? महाभारत लेक ये हो गया आपका नेपाल में। आर आर एल सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में लिया है, तो बोल रहा है किसको लिया है? अवस्थिति को या भूगर्भिक संरचना को या भौतिक आकृति को? तो जो लिया है ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब एक से अधिक, अवस्थिति, भूगर्भिक संरचना और भौतिक आकृति। भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका हो जाएगा 3,214 किलोमीटर लंबा है भारत और 2,933 मीटर चौड़ा है, यानी आप 32-14 लंबाई चौड़ाई में 29-33 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मालाबार में मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है। भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है। गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी है, तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक। निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? नर्मदा विंध्य और सतपुरा पर्वत के बीच से गुजर रही है। नर्मदा नदी सतपुरा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है। तापी नदी सतपुरा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। सिंधु और सतलज नदी के बीच हिमालय को कौन सा हिमालय कहते हैं? तो ऐसे तो सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय है पंजाब हिमालय कहते हैं, इसका आंसर जो है बीपीएससी पंजाब हिमालय दी है, बट पंजाब हिमालय को ही कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए, लेकिन चूंकि जो बीपीएससी है वो पंजाब हिमालय ही मानी है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासी नदी द्वीप है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? माजुली द्वीप। माजुली जो है वो सबसे बड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है? तो जो खारे पानी की झील क्या है वो बड़ी, वो चिल्का है। सुंदर वन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, सही है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सही है। इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम किस राज्य में स्थित है? तो जो मौसिन राम है वो कहाँ पे है? हिमालय में, सॉरी मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम अवस्थित है? तो जो शिव समुद्रम है वो कावेरी नदी पर है। भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ीदार। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियां। कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कोरियोलिस के संबंध में देखिए क्या बोला गया है कि इसकी उत्पत्ति वायु के तापमान एवं दबाव में परिवर्तन के कारण होता है। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। यह उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। यानी इसमें देखिए दो से अधिक सही है, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? तो चंदन जो पाया जाता है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? तो पहला है सभी पेड़ विशेष मौसम में एक साथ अपनी पत्तियां गिराती हैं। यहाँ सदाबहार वन की बात हो रही, पत्तियां तो नहीं गिराएंगी। 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र केंद्रित पेड़ सदाबहार घने उच्च स्तरीकृत होंगे। यानी बी और सी इसमें क्या है? सही है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? कृषि, मिट्टी, हवा। ठीक है, तो जो नहीं है वो हो जाएगा क्या? मिट्टी नवीकरणीय संसाधन नहीं है। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? तो इस देखिए इसमें है विकसित विश्व का राजनीतिक संकट, पर्यावरण का संरक्षण की अत्यावश्यक समस्याएं, वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास। तो देखिए इसका आंसर भी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन, बता दिया आपको। उसके बाद आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? तो मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, सुंदरबन। तो ये सभी तो है, तो जो नहीं है हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? तो जो संबंधित है वनोकरण से, उसका आंसर हो जाएगा क्या? चिपको आंदोलन। क्या हो जाएगा? चिपको आंदोलन। बहुदेशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं? जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। इसे बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी को कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित किया जाता है। इसमें जो नहीं है वो जलाशय का निर्माण जो है ये नहीं होगा, बाकी ये दोनों है। यह नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एकीकृत योजना है। गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के संबंध में आपको बोल रहा है क्या शामिल है? तो कौन कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, जो गुजरात में जो है सरदार सरोवर बांध, ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान चारों राज्यों में है। भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो मिल्पा, बेबर, पामा, डाबी। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त से एक से अधिक। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन करने को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य बना? तो ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया, इसका है तमिलनाडु। ये देखिए दो नहीं तीन तीन कितना सारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। झूम की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही मेल है? तो इसका हो जाएगा मिल्पा,
मध्य कौन सही मेल है, तो मिल्पा मध्य मध्य अमेरिका, ये क्या है सही मेल है। भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी, तो ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया है। तो भारत में अरेबिका की जो खेती है वो कहाँ की गई, बाबा बुदन की पहाड़ी। भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला में, हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी में, लद्दाख में पूगा घाटी में। तो यहाँ उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, पूगा घाटी में भी है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला में, भूतापीय ऊर्जा केंद्र, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है, तो अभ्रक, चूना पत्थर और संगमरमर। गैर धात्विक, तो अभ्रक, चूना पत्थर और संगमरमर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह और इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो यह कच्चे माल के निकट वाले क्षेत्र में स्थित है, इसे बुनियादी उद्योग कहा जाता है, इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है, उपयोग में से एक से अधिक, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो जो पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, बिहार। पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक क्या होगा, बिहार। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़ा हुआ है, सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात, ये जो है पूर्व और पश्चिम गलियारा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में असुरक्षित प्रजाति है, असुरक्षित प्रजाति एशियाई हाथी, गंगई डॉल्फिन, काला हिरण, तो ये हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करती है, तो सरदार सरोवर बांध गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था। भारत में वन संसाधनों की ह्रास का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका हो जाएगा कृषि एवं विस्तार। वन यहाँ भारत में बोल रहा है वन संसाधनों की ह्रास का प्रमुख कारण, तो कृषि एवं विस्तार हो जाएगा। अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई, क्योंकि इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए, अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ा और बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया, तो बीज बचाओ आंदोलन, नव धान्य या तवा मत्स्य संघ। तो पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, बीज बचाओ नव धान्य और तवा मत्स्य संघ। उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया, तो ये हो गया तमिलनाडु। ये अभी आप देखिए इसके पहले वाला ईयर का जो पूछे थे उसमें भी ये क्वेश्चन था, इसमें भी यही क्वेश्चन है। कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में डैश उत्पादन का दूसरा बड़ा देश है, चावल, कपास और गन्ना, तो उपयुक्त में से इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि चावल में भी है गन्ना में भी है, कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक, ठीक है, भारत विश्व में दूसरा चावल कपास गन्ना, तो एक से अधिक हो जाएगा। खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है, मक्का गेहूं मटर, तो खरीफ का क्या हो जाएगा, खरीफ का मक्का, मक्का है खरीफ का, गेहूं है मटर है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा
तो बीपीएससी के अकॉर्डिंग इसका आंसर आपका क्या होगा, मक्का ही होगा। ठीक है, मक्का होगा सिर्फ। कौन सी फसल विकसित होने में लगभग एक वर्ष का समय लेती है? कौन सी फसल? जौ, पटसन, कपास। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो कोडरमा जो है वो अवरक का है। किसका प्रमुख? कोडरमा अवरक का। किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था, तो क्या संस्थागत सुधार क्या था? पहला है भूमि सुधार, उसके बाद है ग्रामीण बैंकों का निर्माण, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा भूमि सुधार। ठीक है, किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार में क्या होगा? सिर्फ भूमि सुधार हो जाएगा। ये क्वेश्चन बता दी। झारखंड का कोडरमा भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर और मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है, तो वो एकमात्र कौन सा उद्योग हो जाएगा? तो हो जाएगा कपड़ा उद्योग। क्या होगा? कपड़ा उद्योग। जो कपड़ा उद्योग है वो आत्मनिर्भर और मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। उसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन है, कौन सी फसल विकसित होने में लगभग एक वर्ष लगती है? तो हो गया एक से अधिक। राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए, निर्मित एवं संचालित होते हैं? तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत। ठीक है, यानी एनएचएआई राष्ट्रीय राजमार्ग एनएचएआई द्वारा निर्मित एवं संचालित होते हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है? तो भारत जो है विश्व पर्यटन स्थल में किस स्थान पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो इसका आंसर कोई नहीं है। ठीक है, 2016 और 2017 का पूछ रहा है। जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित, अच्छा तो यहाँ पे स्लैश बर्न कृषि का नाम दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको, मैक्सिको का होगा मिल्पा, मैक्सिको मिल्पा। ब्राजील रोका, ब्राजील रोका। वियतनाम रे। इंडोनेशिया लदांग, इंडोनेशिया लदांग, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। भूदान ग्रामदान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा विनोबा भावे। कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? कपास उगाने के लिए काली मिट्टी। भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मौसिन राम। कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है? तो अभ्रक। किससे आती है? अभ्रक से आती है। बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? नेवेली, तालचेर या बड़ौनी? तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ौनी। कौन सा है बिहार में? तो बड़ौनी। उसके बाद है, निम्नलिखित बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया? आजादी के बाद किसको? मैंगलोर, कांडला, मुंबई। तो आजादी के बाद कांडला को बनाया गया। डैश भारत में प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणन है। तो इसका आंसर होगा NTPC। आंसर क्या हो जाएगा? NTPC भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणन है। तो NTPC हो जाएगा झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। राज्य खनिजों और डैश निक्षेपण के मामले में समृद्ध है। तो छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है, ये किसके लिए? कोयला के लिए। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कोयला
खनिजों के निक्षेपण के मामले में समृद्ध हैं। उसके बाद है स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के बाहर प्रमुख शहर को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वे शहर शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली से मुंबई, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पहला है चीन, दूसरा है भारत। भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति जो है वो 1952 में लागू की गई थी। सीन नदी किस नगर नहर से होकर बहती है? तो सीन जो है वो पेरिस से, सीन नदी कहाँ से? पेरिस से होकर बहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो एल्यूमिनियम जो है बोल रहा है किससे निकाला जाता है? बॉक्साइट, एल्युमिनियम बॉक्साइट माल से निकाला, कच्चे माल से निकाला जाता है। विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है? विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक क्या हो जाएगा? इसका भारत ही होगा। विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक क्या होगा? बांग्लादेश नहीं होगा, बल्कि बीपीएससी ने इसको भारत माना है, जिसका आंसर होगा भारत, भारत। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो जो गोबी मरुस्थल है वो कहाँ है? चीन में है। कहाँ है? चीन में। दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी क्या है? तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगी? अमेजन, दक्षिणी अमेजन। विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादन देश कौन सा है? तो सबसे अधिक कोयला उत्पादन देश जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? चीन, नहीं, इसका आंसर जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य क्या है? तो अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य। तो विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं होगा, चीन ही होगा, चीन है। और दूसरा पूछेगा आपको अगर कोयला उत्पादन में कौन सा है, तब भारत हो जाएगा। एंड जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ये तीसरे स्थान पर है, तो पहला चीन ही होगा। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडारण कहाँ है? ठीक है, तो मुंबई है, अंकलेश्वर गुजरात, नवगांव गुजरात, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो जो एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? फ्रांस, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित है। पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक सतत विकास या विश्व शांति? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, सभी है। ठीक है, इसका होगा एक से अधिक। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो स्थित है वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। किस देश में झूम की खेती? देखिए ये भी जो है आपका टीजीटी का ही है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला TRE1 का है, टीजीटी का। किस देश में झूम की खेती कृषि को मिल्पा नाम से जाना जाता है? तो मिल्पा नाम से किस देश में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको में मिल्पा, झूम की कृषि को मिल्पा कहते हैं। उसके बाद है 1920 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया है? तो जो गुजरात है ना वो सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन किया है। रक्तहीन क्रांति का आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो देखिए पहले भी पूछा जा चुका है, अभी आप देखें, विनोबा भावे, यही होता है ना,
जो बीपीएससी का पीवाईक्यू करिएगा, पीआरटी 1, 2 एंड अभी 3 चल रहा है, तो आपको समझ में आएगा कितना क्वेश्चन है जो रिपीटेड है। तो अभी आपको पता चल गया होगा जब मैं जियोग्राफी का ही सब करवा रही हूँ, सारे जो बीपीएससी टीआरई 1 का जो है आपका 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 इसका करवाई, एंड जो टीआरई 1, 2 का जो है उसमें भी आपका 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 सभी को मिला के ये वीडियो आपका बना हुआ है। और थैंक यू अंत तक मेरे वीडियो को देखने के लिए, और देखिए आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है, तो देखिए इसका आंसर होगा 70। मैग्नेटाइट अयस्क में कितने प्रतिशत होती है, 70% होती है। गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है, तो गन्ना उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, किस पे है, दूसरे स्थान पे है। रत्नगिरी जिला और लो अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो जो अंकलेश्वर है वो गुजरात में है, कहाँ है, गुजरात में। उसके बाद भेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड किस प्रकार किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सार्वजनिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है, तो जो पार्वती घाटी है उसका भूतापीय संयंत्र हिमाचल प्रदेश में है, पार्वती का हिमाचल प्रदेश में है। मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया, तो मुंबई में 1854 में किया गया, एंड अगर सबसे पहले कपड़ा मिल बोलेगा तो 1818 ईस्वी में किया गया था। औधात्विक खनिज कौन सा है, तो औधात्विक खनिज तो लोहा, अभ्रक और मैग्नीज, तो जो औधात्विक है वो है अभ्रक। उसके बाद है, भद्रावती लोक एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, तो जो भद्रावती है वो कर्नाटक में है, कहाँ है भद्रावती, भद्रावती कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, भारत के किस पठार में लोह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण है, लोह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है, छोटा नागपुर के पठार में, कहाँ, छोटा नागपुर के पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल की ऊंचाई क्या है, तो समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जलमार्ग NH1 नाम दिया गया है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किसको, इलाहाबाद हल्दिया, किसको, इलाहाबाद हल्दिया को दिया गया है। अटल टनल की लंबाई कितनी है, तो जो अटल टनल है टनल उसका 9.02 हो जाएगा, अटल टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। उसके बाद है, भारत में रेलवे को कितने जोन में पुनर्गठित किया गया, देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा गया, 16। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है, मुंबई है। 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई, तो 1855 में सबसे पहले जूट मिल रिसरा, कहाँ, रिसरा में स्थापित की गई। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी वर्ष जो है वो 1992 में, 1992 में। राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो राष्ट्रीय वन्य संरक्षण अगर आएगा वन वाला, तो इसका हो जाएगा 1972 और पृथ्वी सम्मेलन 1992। ओके, उसके बाद है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखा है, तो इसका होगा शूमाकर, कौन लिखा है, शूमाकर ने। भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है, तो जो 27% है वो पठार से आच्छादित है, कितना, 27%। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष हुई, तो सीमा संगठन सड़क BRO 1960 में, 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 3.28, क्या है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण
वांछित प्रतिशत क्या है? तो 33 चाहिए। लेपचा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है? लेपचा जो है उत्तरी दार्जिलिंग से संबंधित है। किससे है? उत्तरी दार्जिलिंग से। किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? तो कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण किस में ज्यादा होगा? बांगड़ में ज्यादा होता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यदि ऊपर मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अगर ऊपर बह जाएगी तो उसको सीट कटाव बोलेंगे। क्या कहेंगे? सीट कटाव। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस संचारण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? तो सीधे तौर पर जो शामिल नहीं है वो है वन्य जीव अभयारण्य का सीमांकन, ये नहीं है। लेकिन वन संयुक्त वन प्रबंधन है, बीज बचाओ आंदोलन ये भी आपका है, ठीक है। किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मुहाना या दहाना बनाती है? तो मुहाना या दहाना, तो मुहाना क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक और दो, माही और ताप्ती, ठीक है। माही और ताप्ती क्या है? ये नदी मुहाना या दहाना बनाती है। इसका आंसर जो है ना, सॉरी, ये पहले वाला आपका बीपीएससी का जो निकला था उसके अकॉर्डिंग ये था, लेकिन जब फाइनल आंसर की निकाली बीपीएससी तो वो इसका आंसर फोर की, डी की है। क्या की है? डी। यानी निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मुहाना, तो आप जानते हैं नर्मदा और ताप्ती दोनों है, तो नर्मदा जो है ऑप्शन फोर में है, यानी तीन और चार है ना, तो इसके लिए जो है इस क्वेश्चन का आंसर फोर दिया गया है, ठीक है। या माही भी होगा, ताप्ती भी होगा और नर्मदा भी होगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया और चार राज्यों को यह कवर करती है, ठीक है। भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? तो 22% भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा बिजली का 22% होता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलाड़ या पालर पानी कहा जाता है? पलाड़ या पालर पानी, तो राजस्थान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में, राजस्थान में पाल, राजस्थान में कहा जाता है। भारत के राजस्थान राज्य में वर्षा जल को पलाड़ या पालर पानी कहा जाता है। भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति पेयजल आपूर्ति कितनी है? तो प्रति व्यक्ति 55 मीटर है। कितना है? 55 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, सॉरी मीटर बोल रही हूँ मैं, 55 लीटर होगा, नॉट मीटर, सॉरी। उसके बाद है, भारत के किस राज्य ने सभी घरों पर, ये क्वेश्चन देखिए कितना बार, सभी घरों पर जो है जल संचयन सबसे पहले कहाँ? तो तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा, इसमें से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप देख लेना। और फ्रेंड्स, अगर आए तो इसलिए आप एक बार जो है अपना कमेंट जरूर करना कैसा गया आपका एग्जाम, एंड ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू।